दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फिजिशियन। काला मल आने का क्या मतलब होता है? बहुत सारे लोग हैं वो ध्यान देते हैं, कमेंट करके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा मल आजकल काला काला आ रहा है। तो जितने लोगों को काला काला मल आता है तो वह कोई ना कोई बीमारी का सूचक है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें तभी सारी बातें समझेंगे कि इसके कारण क्या हैं, कौन बीमारी हो सकती है, आपका इलाज क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए। और दोस्तों, नए व्यूअर्स रिक्वेस्ट है, दोस्तों आप लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, दोस्तों ये अच्छी बात नहीं है। गुरु से ज्ञान लेके दक्षिणा न दो तो ठीक नहीं लगता है। आप लोग दक्षिणा में नहीं है कि आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। ऐसे यूजफुल कंटेंट पर डे मैं लाते रहता हूँ। दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद। दोस्तों मेरे हॉस्पिटल में ऐसे बहुत से मरीज आते हैं, मैं देखता हूँ नित्य दिन, उनके मल काला आता है, मटमैला आता है, ज़्यादा रेडपन लिए भी होता है, सड़ांध ज़्यादा होता है उसके अंदर में, बदबू ज़्यादा होती है। तो जितने लोगों को यदि मल काला आता है, मटमैला आता है, उससे क्या मतलब हो सकते हैं, क्या अर्थ हो सकते हैं? दोस्तों यह लीवर ख़राब होने के पहले नंबर सूचक हैं, आपके लीवर ख़राब हो रहे हैं। यानी आप ऐसे खान पान छोड़ दीजिए जो लीवर को दूषित करते हैं, कमज़ोर करते हैं, लीवर में इन्फेक्शन फैलाते हैं। तैलीय चीज़, वसा, गरिष्ठ भोजन, भारी भोजन, बासी भोजन, बाहर का खाना, ड्रिंक वगैरह करते हो तो सब कुछ छोड़ दें। घर का नॉर्मल साधारण ताज़ा ताज़ा खाना खाएँ, बासी खाना ज़्यादा देर तक का बना हुआ खाना भी ना खाएँ। और दूसरे नंबर में यदि आपका काला मल हमेशा आ रहा है तो आप वॉच करें, देखें कि कभी ठीक होता है कि नहीं होता है। अगर ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर जाकर दिखा लें, क्योंकि काला मल आने का मतलब है कि आपके मल में, आँख में कहीं ना कहीं ब्लड लीकेज हो रहा है, खून की रिसाव हो रहा है। जो ब्लड मल मिल करके उसको काला बना देता है। तो यह आपके आंत्र क्षय यानी आंतों को टीबी होने का सूचक भी है। ऐसा है तो डॉक्टर पहले फौरन मिलने, उसे दिखाएं, अपने सारी समस्याएं बता दें। पेट में कीड़ी ज़्यादा होने से भी ऐसा होता है कि उस कीड़ियाँ होती हैं जो आंतों में चिपक जाती हैं, खून चूसती हैं और वहाँ से खून का रिसाव होता है, मल में मिल करके मल को काला कर देता है। तो ऐसा है तो अल्बेंडाजोल वाली गोलियाँ खा लें, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, त्रिफला चूर्ण खाएँगे तो भी ये समस्या दूर हो जाती है। आंवले का चूर्ण भी खाएँगे तो समस्याएँ दूर हो जाती है। खाना हल्का खाएं, सुपाच्य भोजन करें तो आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि यदि काला मल आता है तो वह आंत में कहीं ना कहीं ब्लड रिसाव होने का सूचक है, आपको आंत्र क्षय की बीमारी हो सकती है। जांच करा लें और निश्चिंत हो जाएं, डॉक्टर को दिखा लें, समझ गए। तो यही मेरा सलाह है, आप लोग इस पर ध्यान दें, केयर करें, नहीं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नहीं तो कहीं आप लापरवाही करके बाद में आप पछताने से भी कुछ हाथ नहीं लगेगा, समझ गए। चलिए, यदि आप लोगों को मेरा सलाह अच्छा लगा जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।